ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन। गुड आफ्टरनून, चलो शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। ओके, गुड आफ्टरनून। सब लोग आ गए? चलो, पहली बार आए हो चैनल पे तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। और साथ ही साथ ये चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे जो भी अपडेट्स आती है वो आ जा यहीं पे आती है, और पीडीएफ आपको यही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। शेयर नहीं किया है अभी तक तो फाइव जल्दी से शेयर कर दो। और हाँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोर्स है जिसकी ऑफ़र अभी 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी, तो एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से एनरोल कर लो, ठीक है? ठीक है, ओके। नाउ आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट अप्रैल 24, तो उसके लिए हेडलाइंस यहाँ पे दी हुई है और हम यहाँ पे शुरू करेंगे। इज़ दिस यूज़फुल फॉर एसएससी जेई? तो एसएससी जेई में अगर करंट अफेयर्स है, आपने एग्ज़ाम पैटर्न तो देख ही लिया होगा, अगर एग्ज़ाम पैटर्न में है तो फिर आपको यहाँ पे काम लगेगा। सो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर करंट अफेयर्स सेक्शन है तो आपको काम लगेगा, ठीक है? और इसके साथ साथ आपको मैं एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट बिकम्स फर्स्ट इन कंट्री टू कैरी आउट प्लाज्मा रिसर्च इन व्यू ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के चलते यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट SVPI यहाँ पे पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बनता है जो कि प्लाज्मा रिसर्च किया, ठीक है? और ये यहाँ पे उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग साइन की थी ICMR के साथ और उन्होंने ये चीज़ की हुई है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। और हमने रिसेंटली अभी देखा था कि ICMR को बहुत सारे एप्लीकेशंस मिले थे, 9900 के करीब यहाँ पे एप्लीकेशंस मिले थे और उनमें से यहाँ पे उन्होंने अप्रूव किया है। और SVPI MSR मतलब सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में है और ICMR का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल ICMR के बलराम भार्गवा है, ठीक है? ओके, सो 11 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक अभी तक सिर्फ 5 है, तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बात करते हैं, फेसबुक बाइज 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो, लार्जेस्ट FDI इंडिया टेक सेक्टर। भाई टेक जायंट फेसबुक, उन्होंने 9.99% अपना स्टेक यहाँ पे खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, टेलीकॉम यूनिट में। और रिलायंस जियो यहाँ पे कितने में खरीदा है, $5.7 बिलियन, या फिर ऐसा कहे 43,574 करोड़ का इन्होंने खरीदा है। दिस इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर अ माइनॉरिटी स्टेक बाय अ टेक्नोलॉजी कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भाई सबसे बड़ा यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अभी तक का, और डिजिटल इंडिया मिशन में ये पार्टनरशिप यहाँ पे देखेगी और आगे काम करेगी, ठीक है ना? ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नरेंद्र तोमर पार्टिसिपेट्स G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग। भाई नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने G20 यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग जो है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे अटेंड किया हुआ है। और कोविड-19 की वजह से जो कि फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन पे जो इम्पैक्ट होगा उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? और बाकी यहाँ पे मीटिंग के बारे में, G20 के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी सजेस्ट रीस्ट्रक्चर ऑफ GDP डेटा एंड अदर एस्टिमेट्स फॉर स्टेट्स। भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कमिटी अपॉइंट की हुई है यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए कि हाउ स्टेट्स कलेक्ट कंपाइल डेटा फॉर स्टेट लेवल GDP और सारी चीज़ें एस्टिमेट करने के लिए, और ये कमेटी को हेड कर रहे हैं रविंद्र एच ढोलकिया। और बाकी यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे मार्च, द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड ऑन मार्च 16 सजेस्टेड द फॉलोइंग। भाई मार्च 16 को जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ पे इनके सजेशंस हैं, ठीक है? पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिजाइन संयम ऐप टू ट्रैक होम क्वारंटाइन पीपल। भाई पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम ऐप एक डिज़ाइन किया हुआ है
होम क्वारंटाइन पीपल को ट्रैक करने के लिए। तो होम क्वारंटाइन पीपल जो भी यहाँ पे घर में बैठे हुए हैं वो अभी घर में ही है या नहीं, या इंटरनेशनल ट्रिप से आए हुए हैं जिनको यहाँ पे ट्रीटमेंट से घर पे भेज दिया गया है, उनको यहाँ पे ये सयम ऐप ट्रैक करेगा। अगर वो कहीं बाहर दिखते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन पुलिस को सेंड किया जाएगा। सो यहाँ पे इसका कैपिटल महाराष्ट्र का क्या है, मुंबई, एंड चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोशियारी। स्टेट फ्लावर जरूल एंड स्टेट ट्री मैंगो ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया स्लिप्ड टू प्लेसेस टू 142nd ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे टॉप पे है। यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो 142 मतलब और नीचे उतर गया इंडिया, 140 से 142, विद द स्कोर ऑफ 45.33 इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि 180 कंट्रीज का एनालाइज किया जाता है, उसमें इंडिया का जो है 142nd है। ओके, और ये किस लिए है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस डिक्लाइन द रैंक इज शोन एन इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन मीडिया एज इन 2019 देर वॉज नो मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट वे रिकॉर्डेड एज अगेंस्ट 6 इन 2018 हाउ कॉन्स्टेंट प्रेस फ्रीडम वायोलेशन स्टिल रिमेन। और ये सारी चीज़ें अभी देखी जाती है, इसके रिलेटेड यहाँ पे ये रैंकिंग की गई है। और इसमें नॉर्वे ने टॉप किया हुआ है विद अ स्कोर ऑफ 7.84, नॉर्थ कोरिया लास्ट है 180 पे जिसका स्कोर है 85.82। तो भाई नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, फिर 142nd के इंडिया एंड 180 पे नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। आरएसएफ क्या करता है, आरएसएफ रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, ये यहाँ पे इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जर्नलिस्ट पे जो अटैक्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर ये काम करता है। सेक्रेटरी जनरल है क्रिस्टोफी डेलोर एंड हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ओके, कोविड 19 को डबल नंबर फेसिंग एक्यूट हंगर, $350 million नीडेड फॉर कंटेनमेंट, UNGRFC 2020। यहाँ पे फोर्थ एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट फूड क्राइसिस पे यहाँ पे जो कि 2020 का है, और किसने बनाया हुआ है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है, जॉइंट एनालिसिस फॉर बेटर डिस्कशन। भाई ये यूनाइटेड नेशंस का है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर, उन्होंने यहाँ पे देखा है कि भाई कोरोना वायरस के लिए यहाँ पे जो हंगर की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे करीबन डबल हो गई है या हो जाएगी, अभी पीपल फेस भी कर रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम 50 कंट्रीज इन द फूड क्राइसिस नियरली 10% टू 123 million पीपल फ्रॉम 112 million इन द 2019 एडिशन। भाई ये यहाँ पे इनके रिपोर्ट है, और WFP एस्टिमेट कर रहा है कि $350 million यहाँ पे अभी इमीडिएटली चाहिए ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ओके, और बाकी GRFC इसके बारे में डिस्कस किया है, WFP के बारे में बताया हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट 1961, हेडक्वार्टर्स रोम इटली, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बिस्ली यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, TDB अप्रूव्स फंड्स फॉर मेलेब फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोविड 19 डायग्नोस्टिक किट्स। जब हमने करंट अफेयर्स के सेशन शुरू किए थे तब यहाँ पे मेलेब्स की बात हो रही थी, मेलेब ने अपना एक टेस्टिंग किट डेवलप किया था, उसका जो फंड है अभी अप्रूव हुआ है डायग्नोस्टिक किट के लिए। भाई इतना लेट क्यों, मतलब काफ़ी मेहनत की है इन साइंटिस्ट ने। तो अब ये जो है TDB टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका फंडिंग यहाँ पे अप्रूव किया हुआ है, और फंडिंग यहाँ पे 30,000 टेस्ट पर डे से लेके 1 लाख टेस्ट पर डे पे अपडेट हो जाएगा, एंड ऑटोमेशन और ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। TDB के बारे में तो सेक्रेटरी आशुतोष शर्मा, फाउंडेड 1996, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो भाई डॉक्टर हर्षवर्धन। मेलेब डिस्कवरी के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स लोनावला में है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैलेंद्र कवाड़े, को फाउंडर RS मानी, एंड ये जो मेलेब्स है उसका फाउंडिंग 2016 में हुआ है। UN मेंबर स्टेट्स डिमांड इक्विटेबल एक्सेस टू एनी कोविड 19 वैक्सीन्स। UN मेंबर जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, इक्विटेबल, एफिशिएंट एंड टाइमली एक्सेस टू एनी फ्यूचर वैक्सीन्स डेवलप टू फाइट कोविड 19 विदाउट एनी वोटिंग। भाई इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि भाई सबको ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर टाइम पे एफिशिएंट वे में यहाँ पे मेडिसिन मिलेगी, किसी भी तरह की वोटिंग नहीं की जाएगी अगर ये वैक्सीन बनाते हैं। तो
तो भाई ये क्रिटिसिज्म, WHO फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वॉशिंगटन एंड अदर्स फॉर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द रिजोल्यूशन, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ की हुई है, लेट्स सी क्या होता है भाई जब वैक्सीन बनेगी। तो इनका क्लियरली इनका कहना है कि भाई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गेटरस एंड हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडेड इन 1945। ओके, एडम हिकिम बोथम्स मिड नाइट इन चेरनोबिल विंस विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2020। भाई एडम हिकिन बोथम यहाँ पे उन्होंने जीता है विलियम ई कॉल्बी अवार्ड, ठीक है, फॉर हिज बुक मिड नाइट इन चेरनोबिल, ठीक है। ओके, और इसमें इन्होंने बताया हुआ है भाई यू उनको यहाँ पे अवार्ड के साथ साथ क्या मिला है, $5,000 USD का प्राइस भी मिला हुआ है, ठीक है। और उनकी बुक के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, मतलब ये बुक के बारे में है, ये अवार्ड के बारे में है। ओके, पीवी सिंधु नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ PWF's IM बैडमिंटन कैंपेन। भाई पीवी सिंधु को यहाँ पे ब्रांड मतलब एम्बेसडर बनाया हुआ है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन IM बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन, यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कि भाई अगर उनको बैडमिंटन पसंद है तो अपना यहाँ पे दिखाओ प्लेयर्स को, प्लेयर्स जो भी बैडमिंटन के हैं उनको बैडमिंटन के रिलेटेड जो भी प्यार है वो नहीं जाना चाहिए, और उसके रिलेटेड अवेयरनेस इन्होंने बताई हुई है। सो यहाँ पे ये पीवी सिंधु को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, और आइडिया क्या है, आई एम बैडमिंटन। हेडक्वार्टर से कुआलालंपुर, BWF के, फाउंडेड 5 जुलाई 1934। प्रेसिडेंट पॉल एरिक होयर लार्सन एंड यहाँ पे 9 मेंबर एसोसिएशंस स्टार्टेड विद 9 मेंबर्स, मतलब शुरू 9 मेंबर से हुआ था और अभी 194 मेंबर नेशंस है इनके पास। राकेश शर्मा बजाज ऑटो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटेड एज IMMA प्रेसिडेंट। भाई राकेश शर्मा जो कि बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA के, इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और 2 साल के ये चीज़ की गई है। राकेश शर्मा ये ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट IMMA के किए, मतलब उन्होंने सर्व किया है आफ्टर बीइंग इलेक्टेड इन May 2019। भाई अभी वो वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी उनको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। और बजाज ऑटो में वो October 2007 से एज अ प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस में है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ बोर्ड कमिश्नर्स ऑफ PT बजाज ऑटो इंडोनेशिया, ठीक है, और ये काफ़ी जगह पे काम कर रहा है, चेयरमैन भी है एक्सपोर्ट्स काउंसिल ऑफ SIAM एंड सब, ठीक है। तो बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में, तो पुणे महाराष्ट्र में चेयरमैन है राहुल बजाज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, IIT टीम डेवलप्स मैग्नेटिक रैम टू एनेबल हायर डेटा स्टोरेज एंड फास्टर कंप्यूटेशन। भाई IIT की टीम जो है, IIT मंडी की जो टीम, उन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है स्पिनट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और ये इनका कहना है कि भाई ये जो मेमोरी है ये करीबन बाकी नॉर्मल रैम से काफ़ी ज़्यादा हायर डेटा स्टोरेज करेगी और कंप्यूटेशन भी फास्ट करेगी। तो इसको यहाँ पे ऐसा कहा गया है स्पिन ट्रांसफर टॉर्क बेस्ड नैनो स्पिनट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो वो क्या करता है, पुट एन एंड टू कंप्यूटर डेटा लॉस ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई एंड विल हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स स्मार्टफोन्स एंड अदर गैजेट्स। भाई ये टेक्नोलॉजी देखते हैं आगे चल के कितना काम लगती है, लेकिन अभी के लिए इन्होंने IIT की टीम ने डेवलप किया हुआ है। ओके, और 5 मेंबर टीम थी जहाँ पे श्रीकांत श्रीनिवासन और उनके 3 रिसर्च कलीग्स मोहम्मद जी मोइनुद्दीन, शिवांगी श्रृंगी एंड एजाज एच लोन, ठीक है। भाई 15 लोग देख रहे हैं, 10 लाइक है, फटाफट से लाइक कंप्लीट कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। ARI researchers developed bug sniffer for detection of pathogens in 30 minutes. By ARI, Agarkar Research Institute, Pune based है, उन्होंने यहाँ पे develop किया है low cost biosensor जिसका नाम है bug sniffer, वो bacteria को detect करने के लिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है
और ये 10 बैक्टीरिया सेल्स को डिटेक्ट कर सकता है फ्रॉम अ सैंपल साइज ऑफ 1 मिलीलीटर इन जस्ट 30 मिनट्स. 30 मिनट में वो यहाँ पे 10 बैक्टीरिया सेल्स को डिटेक्ट कर सकता है 1 मिलीलीटर में. दिस रिसर्च इज लेड बाय डॉक्टर धनंजय बोदास और उसको यहाँ पे पब्लिश किया गया है जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है. ईरान्स एलीरेजा फिरोजा बीट्स वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन टू विन बेंटर ब्लेड्स कप 2020. भाई अलीरेजा फिरोजा जो कि एक 16 ईयर ओल्ड ईरानियन चेस प्लेयर है, उन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है वर्ल्ड चेस चैंपियन सेवन मैग्नस ओवन कार्लसन ऑफ नॉर्वे. ठीक है. ब्लिट्स कप 2020 में और विथ स्कोर 8.5 7.5 टू क्लेम $14,000 प्राइस. और ये बेंटर ब्लिट्स कप यहाँ पे किया गया था. ठीक है. तो ये इसके बारे में है. इट वॉज 128 प्लेयर नॉकआउट टूर्नामेंट वेर प्लेयर मस्ट कमेंट वर्बली ऑन देयर मूव्स एंड देयर अपोनेंट्स ड्यूरिंग देम. इट वॉज टेलीकास्ट लाइव ऑनलाइन. ये किया गया था. चलो नेक्स्ट. टॉम एंड जेरी पोपाई डायरेक्टर जेनी डिच पास अवे एट 95. टॉम एंड जेरी एंड पोपाई के डायरेक्टर जेनी डिच, उनका यहाँ पे मृत्यु हुआ है 95 की एज पे. कहाँ पे हुआ है? प्राग सीजेक रिपब्लिक में. और उनका जन्म शिकागो इलिनॉइस यूएस में हुआ था. ठीक है. और उन्होंने यहाँ पे समझ में आई जाए था पोपाई द सेलर सीरीज उन्होंने डायरेक्ट की थी और एनिमेटिंग कार्टून्स यहाँ पे और भी बनाए हुए थे. उनको यहाँ पे मिला था विंसर मैके अवार्ड फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनिमेशन इन 2004. उनको यहाँ पे ये अवार्ड भी मिला गया था, अकेडमी अवार्ड भी मिला था. ठीक है. सो पोपाई द सेलर एंड टॉम एंड जेरी. इंटरनेशनल मदर्स डे, मदर अर्थ डे 2020 अप्रैल 22 को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. अप्रैल 22 को. ठीक है. और बाकी यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें बताई हुई है. और ये कौन सेलिब्रेट करता है? UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बंदे है. ठीक है. गुजरात वाटर कंजर्वेशन स्कीम सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान इनिशिएटेड अमिड लॉकडाउन. भाई सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये थर्ड एडिशन है. चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने उनको अप्रूव किया हुआ है और ये कंजर्वेशन प्लान है वाटर बॉडीज का. तो भाई ये क्या है, कंटिन्यू करेगा June 10th तक विद अ फोकस ऑन डीपनिंग ऑफ लेक्स चेक डैम्स एंड रिवर्स बाय रिमूविंग सिल्ट. ओके. ये चीज़ यहाँ पे ये करने वाला है. SSGA सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसके बारे में ये चीज़, ये 2018 में शुरू किया गया था और उन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी कितनी बढ़ा दी थी, 23,000 क्यूबिक फीट ड्यू टू डिपनिंग ऑफ लेक्स चेक डैम्स रिवर्स रिजर्वर्स. और उन्होंने डी सिल्टेड सॉइल इज़ यूज फॉर फार्मिंग, मतलब अंदर से जो मिट्टी निकलती है उसको फार्मिंग में यूज़ कर लिया, मतलब रीयूजबिलिटी. डिप अगर पानी भी स्टोर हो गया और सोइल भी मिल गया. स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लैमिंगो, स्टेट फ्लावर मेरीगोल्ड एंड स्टेट ट्री बनियान. तो गुजरात के बारे में ये चीज़ है. नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है हिमाचल प्रदेश स्टार्ट्स टू यूज ई संजीवनी ओपीडी. भाई हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे स्टार्ट किया है ई संजीवनी ओपीडी, फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन. बट डॉक्टर्स, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स होंगे, वो 9:30 से 4 बजे तक यहाँ पे ये करेंगे. ठीक है. और वो अपने घर से ये काम करने वाले हैं और इसको आप एक्सेस कर सकते हो ई संजीवनी opd.in से आप एक्सेस कर सकते हो. तो ई संजीवनी ओपीडी के बारे में बताया हुआ है. और ये यहाँ पे जो है ये ओपीडी, मतलब ये जो डिज़ाइन जो है ये किसने डिज़ाइन किया हुआ है, सीडेक ने किया हुआ है. सीडेक जो कि जिसका सेंटर, सीडेक का कौन सा सेंटर, मोहाली पंजाब का सेंटर है, उसने यहाँ पे ये चीज़ डेवलप की हुई है. तो सीडेक क्या है? तो सीडेक एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और उसके हेडक्वार्टर्स पुणे, डायरेक्टर जनरल जो है हेमंत दरबारी है. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया. आज का सेशन हमने बहुत ही जल्दी कंप्लीट किया, आज आराम से कंप्लीट किया मेन मेन इन्फॉर्मेशन को कवर करके. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. भाई समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. हम डेली लाइव आते हैं सुबह 12 बजे और शाम को
अभी थोड़ा टाइम चेंज हो जाएगा, करीबन 5:15 तक मैं आऊँगा, मतलब 5 बजे से 5:15 के बीच में। तो आई होप अभी के दिन थोड़ा 30 या 40 डेज तक थोड़ा सा हमारा शेड्यूल चेंज रहेगा कल से। सो लेट्स सी क्या करते हैं, फटाफट से अभी सेशन को कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, लेकिन PDF भी आपको रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 बार मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 30 अप्रैल लास्ट डेट है। मैं बार बार इसलिए याद दिलाता हूँ क्योंकि बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे आप एनरोल करना हो तो कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।